हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़िश करी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर आती है ये रेसिपी, क्योंकि खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। साथ साथ फ़िश है तो इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत ही अच्छी रहती है फ़िश, बहुत ही हेल्दी फूड्स में से मानी जाती है। लेकिन ये फ़िश करी थोड़ी सी कैलोरीफिक साइड पर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर से होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल को हीट कर लिया है, इसमें डाला है 1 चम्मच ज़ीरा, साथ साथ इसमें जा रही है ये 1 चम्मच सौंफ, और उसके साथ साथ आधा चम्मच इसमें जा रहा है ये मेथी दाना। तो ये सौंफ जो हम ऐड करते हैं फ़िश में, बहुत ही अच्छी एरोमेटिक हो जाए फ़िश, इसलिए ऐड करते हैं, क्योंकि फ़िश की अलग सी एक पिक्यूलियर सी स्मेल होती है। तो उसको काटने के लिए ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, मेथी दाना, सौंफ, ये सब चीज़ें ऐड की जाती हैं फ़िश बनाते हुए। साथ साथ एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाली थी, उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया है। और अब इसमें ऐड करें ये 6 से 7 करी पत्ता, तो ये अगेन खुशबू बहुत अच्छी ऐड कर देता है। तो करी पत्ता को मिक्स कर दिया है प्याज के साथ, अब इसमें जा रहा है ये 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो प्याज जब लाइटली गोल्डन ब्राउन हो गई है तभी मैंने ऐड करा है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, आप देख सकते हैं। और इसको अब कुछ सेकेंड्स के लिए प्याज के साथ मैंने भून लिया है, और उसके बाद इसमें जा रहा है ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका प्योरे बना लिया है, सिंपली ब्लेंडर में उसको चलाया है बिना पानी ऐड करे, और उसको ऐड कर दिया है। तो ये मिक्स कर देते हैं एक बार सारे, जो टमाटो का प्योरे हमने बना के ऐड करा है। और अब हमें पकाने हैं टमाटर, और साथ साथ हम पकाएंगे टमाटर के साथ स्पाइसेस भी। तो सारे स्पाइसेस ऐड करने से पहले एक बार पहले मैंने ऐड कर दिया इसमें नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड करें। और साथ साथ अब इसमें ऐड करेंगे पहले लाल मिर्च का पाउडर, तो यहाँ पर 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर। और उसके साथ साथ इसमें जा रहा है ये 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर। और लास्ट में इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर, लेकिन हल्दी मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ ऐड करना, तो इसलिए सिर्फ 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें, और आप देखेंगे कि मसाले मिक्स करते ही इतना बढ़िया सा कलर आ जाता है इस पर, कि ऑलरेडी बहुत ही टेम्पटिंग सा कलर डेवलप कर लेती है ये ग्रेवी। लेकिन अभी तो हमने इसको पकाया नहीं है, जब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है इस पर। तो ये देखिए ऑयल पूरा उज आउट होने लग गया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। तो पानी आपको इतना ऐड करना है अकॉर्डिंग टू फिश क्वान्टिटी जो आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने जो फ़िश यहाँ पर लिया है वो 600 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, तो इसलिए पानी मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप कम फिश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी कम ही डालें, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे और आपको ज़्यादा देर फिर लगेगी उसको ग्रेवी को थिकन करने में, तो इतनी देर में आपकी फ़िश जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ऐड करा है 1 कप पानी। ये फ़िश मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, आप चाहे आटे का इस्तेमाल करें, चाहे वाइट विनेगर का इस्तेमाल करें, चाहे नींबू का इस्तेमाल करें फ़िश को साफ़ करने के लिए। अच्छी तरीके से 1-2 बार फ़िश को साफ़ करें, और उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया इस ग्रेवी में। तो फ़िश जब हम करी में पकाते हैं तो आप उसे फ्राई ना करें, क्योंकि फ्राई करने से फ़िश जो है पक जाती है और ज़्यादा, और जब आप उसे ग्रेवी में ऐड करते हैं तो बिल्कुल टूटने लगती है फ़िश। तो फ़िश जब करी में ऐड की जाती है तो इसी तरीके से ऐड की जाती है, और इसी तरीके से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब हम फ्राई करके उसको ऐड करते हैं तो वो सिंपली क्रिस्पी सी अलग से ही अच्छी लगती है, क्योंकि फ्राई करके फ़िश का जो क्रिस्पी कोटिंग होता है वो ग्रेवी में जाके एनीवे सॉगी हो जाता है। तो आप इसी तरीके से बनाएं फ़िश और देखें कि कितनी मज़ेदार बनती है। तो फ़िश ऐड कर दिया है, ढक्कन लगा दिया है, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। 4 से 5 मिनट तक पकाएं इसको मीडियम हाई फ्लेम पर, और बिल्कुल आसानी से कुक हो जाती है फ़िश। मैंने यहाँ पे सुरमई फ़िश का इस्तेमाल करा है, और 600 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा ही है फ़िश, तो फ़िश की क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है मैंने। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से पका लिया है मैंने इसे 4-5 मिनट, और बिल्कुल तेल उज आउट हो गया है, फ़िश भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी, बिल्कुल लास्ट स्टेज है, तो इसमें ऐड जाएगा कटा हुआ बारीक धनिया। और साथ साथ हमेशा की तरह इसमें ऐड करूंगी मैं गरम मसाला,
तो ये आखिरी में लोग मुझसे पूछते हैं कि गरम मसाला क्यों ऐड किया जाता है। मैं अपनी सब्जियों में आखिरी में गरम मसाला प्रेफर करती हूँ ऐड करना, क्योंकि जो लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करके इसको ढक देते हैं बिल्कुल सर्व करने से पहले, तो उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा रहती है सब्ज़ी में। अगर हम पहले उसे ऐड करके सब्ज़ी को पका लेते हैं तो उसकी खुशबू कहीं ना कहीं जाने लग जाती है सब्ज़ी पकते पकते, और लास्ट में अगर आप ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला और 2 मिनट ढक के फिर सर्व करेंगे, तब आप देखिएगा कितना डिफरेंस आता है। जब आप सर्व करेंगे खुशबूदार रहेगी आपकी डिश बिल्कुल गरम मसाले से। तो मिक्स कर दिया है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, ढक दिया है इसको थोड़ी देर, और उसके बाद इसको गर्मा गर्म कर रही हूँ मैं प्लेट आउट। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली इस तरीके से आराम से मैंने पूर कर दिया पूरी फिश, और सर्व कर दिया इसको इस तरीके से। ऊपर से चाहे तो गार्निश कर सकते हैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और इसको इंजॉय कर सकते हैं आप किसी भी तरीके की रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ भी बहुत ही डिलीशियस लगती है। सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ ये फिश खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब लगेगी। और साथ साथ जो मार्केट में खमीरी रोटी मिलती है, रुमाली रोटी मिलती है, उनके साथ भी बहुत ही लाजवाब लगती है ये फिश। तो ट्राई करें आप ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल ईजी सी फिश है, बहुत ही लिमिटेड मसाले, सिर्फ 3-4 मसालों से बनकर तैयार हो जाती है, और देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं ये फिश करी। तो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आई होप आपको सिंपल सी ईजी सी ये रेसिपी आई हो पसंद। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी आई है पसंद, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको आती हैं पसंद, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई होप आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी रेसिपीज़ को बनाकर अपलोड कर सकूँ। सो थैंक यू गाइस, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। बहुत जल्दी आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप इन्जॉय कीजिए ये बहुत ही डिलीशियस टेम्पटिंग फिश करी, एंड एन्जॉय दिस टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।